दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। जलंधर के स्थानीय प्रताप बाग में 110 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। इस दौरान प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र गुप्ता व मंत्री पवन तलवार की अध्यक्षता में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पंजाब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कमल शर्मा, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सीपीएस केडी भंडारी, जिला भाजपा अध्यक्ष सुभाष सूद, अमरजीत सिंह अमरी ने उपस्थित होकर झंडा लहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर दिनेश कपूर, पार्षद अश्विनी भंडारी, पूर्व पार्षद राजेंद्र गुप्ता, पवन तलवार, योगेश कोहली, रानी सरीन, कमल कृष्ण, मनोहर लाल महाजन, नरेश कुमार शर्मा, अजय कोहली, संजय गुप्ता, राकेश थापर, आशु सोनी, विकास कुमार, पार्षद कमलजीत सिंह बेदी, वरिंदर जैरथ, विकास बजाज, मुकेश सहदेव, सुखराज कौर, डॉली हांडा, दीपाली मांगड़िया, मंजू कांडा, वंदना सोनी, प्रियंका शर्मा, सुमन सहगल, रेखा पसरीचा, आशमन सेवक, उदय सभरवाल, राजू सभरवाल, इंद्र सिंह सहगल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज इस गल की बड़ी खुशी है, पंजाब का सब तो उच्चा पवित्र इतिहासिक नगरी जलंधर देश के नक्शे दे विच लगाया गया। राजेंद्र गुप्ता जी उन्होंने टीम सारी, मैं उन्होंने बहुत बधाई देना। शुरुआत बहुत सही जगह तो हुई है, प्रताप बाग है और जलंधर शहर है, प्राचीन शहर है पंजाब का, उत्थे जो है राष्ट्र ध्वज गौरव लहराएगा। उदों जे साडे नौजवानों के बंदले जोश है देश में तरक्की दियां बुलंदियां ते लैके जाण दा, भारत माता नूं दुबारा विश्व गुरु के सिंघासन ते आरूह करना। जनता जो दूरों दूरों आई है अपने सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, सुनना चाहती है, मन दे विच ये भावना जागी कि साडे जंदर शहर दे विच एक नवी चीज बननी चाहिए और देश दे प्रति भावना होनी चाहिए है। मैं राजेंद्र गुप्ता जी का विशेषकर कोहली साहब का बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने साढ़े को प्रोजेक्ट लैके आंदा, वो 10 लाख रुपये ग्रांट इन्होंने मेरे को मंगी सी जी, मैं इमेज इंडिया दिती सी। बाकी इस सोसायटी ने अपने को पैसे ला के लगभग 20 लाख रुपया इस झंडे तो ला कर रखी है और इस चीज़ नाल साडी नौजवान पीढ़ी आने वाली जनरेशन देश के प्रति नेशन के प्रति अपनी बहुत बड़ी जागृति आएगी, जी अज समय की लोड़ भी है कि साडा नौजवान अज नशे वाल जा रहा है, उस चीज़ को परे करने वास्ते इदा के कार्यक्रम होना अति आवश्यक है। देश के प्रति जागना और देश के प्रति जिहड़ा एक सोच लैके तुरना शहीदों के प्रति, उस चीज़ को यह चीज़ उजागर करेगी। मैं कमल शर्मा जी का बहुत धन्यवादी हाँ।